आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा नालंदा जिले के भागन बीघा इलाके में पहुंचे, जहां से उन्होंने अगस्त के 13 से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हर भारतवासियों के लिए गर्व का अवसर है कि हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर हर भारतवासी अपने घरों पर झंडा फहराएंगे तो सही मायने में भारत का गौरव बढ़ेगा। वहीं राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि 10 लाख नौकरी के सवाल पर डिप्टी सीएम साहब अभी से यू टर्न ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान घूम घूम कर कहा करते थे कि यदि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। आज सरकार में है और वो भी डिप्टी सीएम के पद पर। अब इस सवाल पर कह रहे हैं कि वे सीएम नहीं डिप्टी सीएम हैं। अगर आप डिप्टी सीएम ही बने हैं तो 10 लाख तो नहीं कम से कम आधा वादा तो पूरा कीजिए। देखिए, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महान अवसर को मनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम। जब देश 75 साल आज़ादी के मना रहा है तो सही मायने में उसका उत्सव इसी प्रकार से मन सकता है जब हर एक भारतवासी अपने घर पर छोटा बड़ा जैसा भी उसकी सुविधा हो झंडा लहराएगा तो सही मायने में भारत देश का गौरव बढ़ेगा। सबसे पहले मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2/3 आबादी 35 वर्ष से कम की है। हमारे 13 करोड़ आबादी में 2/3 लोग 35 वर्ष से कम के हैं और ऐसे प्रदेश में एक 32 साल का युवा उप मुख्यमंत्री बना है, ये एक शुभ संकेत है। तेजस्वी जी से अब यही आग्रह है कि उन्होंने वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी रोजगार उपलब्ध कराएंगे बिहार के युवाओं को। मैंने कल सुना कि तेजस्वी यादव जी ने कहीं कहा है कि मैंने डिप्टी सीएम हुआ हूँ, सीएम नहीं हुआ हूँ। मैं उनको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी, आप डिप्टी सीएम हुए हैं तो चलिए 10 लाख नहीं सही, आधा वादा पूरा करिए। 4.5 लाख जो सरकारी पद रिक्त हैं, जिनमें वैकेंसी है, जो आपने खुद बार बार हमको याद दिलाया है, कम से कम बिहार के युवा की आशा है, अपेक्षा है कि आप अपने पहले कैबिनेट की बैठक में इन 4.5 लाख पदों पर नियुक्ति करवाने का काम करेंगे। तब बिहार का युवा मानेगा कि सही मायने में एक युवा हमारा डिप्टी सीएम हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं प्रज्ञा भारती आज इस पावन धरती पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त को ज्वाइन की हूँ और मेरा जो सबसे प्रथम लक्ष्य होगा इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हर गांव हर घर तक पहुंचाऊं ताकि इसका विस्तार हो और हम लोग एकजुट होकर काम करें।